बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से, और उसकी वजह भी हमने डिस्कस की थी कि अल्कली मेटल्स जो हैं इन एटम्स का साइज़ जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एटम से बड़ा होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम होती हैं, इसलिए उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ भी कम होती हैं, इसलिए अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। आज हम देखेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और रिएक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहले हम इनकी जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखेंगे वो प्रॉपर्टी है अकरेंस। अकरेंस डिस्कस करेंगे हम कि अल्कली मेटल्स की अकरेंस कैसे है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अकरेंस कैसे है। अकरेंस मीन एग्जिस्टेंस, जो अल्कली मेटल्स हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, उनका वजूद किस तरीके से होता है। तो जो अल्कली मेटल्स हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और हमेशा कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट जो कंपैरिजन है वो क्या है, अकरेंस। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड ऑलवेज अकर इन कम्बाइंड फॉर्म। जो अल्कली मेटल्स हैं ये बहुत रिएक्टिव हैं और हमेशा कम्बाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये फेयरली रिएक्टिव हैं एंड आल्सो अकर इन कम्बाइंड फॉर्म। रिएक्टिव दोनों हैं, अल्कली मेटल्स भी रिएक्टिव हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्टिव हैं। डिफरेंस क्या है कि अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये उनकी निस्बत कम रिएक्टिव हैं, ये फेयरली रिएक्टिव हैं, और दोनों अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो सेकंड हम कंपैरिजन देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अंदर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या कंपैरिजन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो वैल्यू की रेंज है वो 520 किलो जोल पर मोल से लेकर 376 किलो जोल पर मोल होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, तो जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है उतना एटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम हैं, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जो लिथियम है, अल्कली मेटल में सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो है लिथियम, तो लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 520 किलो जोल मोल इनवर्स, जबकि जो सीजियम है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 376 किलो जोल मोल इनवर्स। तो ये अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है। इसके मुकाबले में जब हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज अगर हम देखें तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 1757 है, 1757 किलो जोल मोल इनवर्स ये बेरिलियम की है, और बेरियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 965 किलो जोल मोल इनवर्स। तो इन वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम होंगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है, अल्कली मेटल्स की जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं।
तीसरा जो कंपैरिजन है वो हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स ऑफ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रिएक्शन विद वाटर, जो अल्कली मेटल्स हैं ये वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं। विगोरसली मीन बड़ी शिद्दत के साथ, तेज़ी के साथ, रूम टेम्परेचर पर अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने से अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सोडियम एक अल्कली मेटल है। सोडियम को अगर हम अपने हाथ में पकड़ें और हमारे हाथ में नमी हो, मॉइस्चर हो, वेट हो हमारे हाथ, तो सोडियम फौरी तौर पर उस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर पर सोडियम विगोरसली रिएक्ट करता है। हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि ये सोडियम Na प्लस वाटर, सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो 2H2O, 2 और 2, 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। तो ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सोडियम जो है ये विगोरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। इसके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो लेस विगोरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। इनको इनके रिएक्शन के लिए हीट करना ज़रूरी होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये आपस में रिएक्ट नहीं करते। अल्कली मेटल्स रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन विगोरसली होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो लेस विगोरसली रिएक्ट करते हैं और इनको इनके रिएक्शन के लिए हीट करना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पर इनका रिएक्शन नहीं होता और ये रिएक्शन के बाद वीक बेस प्रोड्यूस करते हैं। सपोज हमारे पास एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड बना देता है। MgO प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH ट्वाइस। तो मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हीट करना पड़ता है और पहले स्टेप में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो रिएक्शन विद वाटर क्या है, अल्कली मेटल विगोरसली रिएक्ट करते हैं जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो विगोरसली रिएक्ट नहीं करते। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के लिए उनको हीट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो दे इमीडिएटली टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर। जो अल्कली मेटल्स हैं ये फौरी तौर पर अपनी जो चमक है, लस्टर है, उसको ख़त्म कर देते हैं। टार्निश मीन चमक को ख़त्म कर देना। तो जो मेटल्स हैं उनके अंदर जो लस्टर होती है, जो चमक होती है, जैसे ही ऑक्सीजन उनके सामने आती है, उनके कॉन्टैक्ट में आती है, तो उनकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है और सोडियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है और ये ऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिलकर अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देता है। इसका रिएक्शन देखते हैं, ये है हमारे पास सोडियम Na। जैसे ही ऑक्सीजन इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और ये सोडियम ऑक्साइड जो बनता है ये फौरी तौर पर वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन सॉल्यूशन NaOH बना देता है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो
तो यहाँ पर भी हम टू राइट कर देंगे, टू एन ए ओ एच, और इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये हमारे पास एन ए टू ऑक्सीजन ओ टू है, यहाँ पर ओ वन, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टू लगाएंगे, सोडियम टू टू ज़ा फोर, तो सोडियम को फोर करने के लिए यहाँ पर भी फोर राइट कर देंगे। तो ये था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के, सोडियम जो है ये फौरी तौर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड में आती है और फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देती है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं करते और ये रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हमारे पास एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है मैग्नीशियम, और जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए ओ टू है तो यहाँ स्टार्ट पर टू लगाएंगे और यहाँ पर भी टू राइट कर देंगे। अब इसमें देखने आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम में एन ए के नीचे टू राइट किया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के नीचे टू राइट नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला चैप्टर नंबर वन में हमने डिटेल से टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें हमने सीखा था कि केमिकल फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। तो सोडियम की वैलेंसी प्लस वन, ऑक्सीजन की माइनस टू, तो ये वैलेंसीज जो है वो क्रॉस एक्सचेंज हो गई। मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस टू, ऑक्सीजन की माइनस टू, तो ये वैलेंसीज जब आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो फार्मूला बनता है MgO। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसा बिहेव है अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अल्कली मेटल जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और ये रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। जैसे सोडियम एक अल्कली मेटल है, सोडियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तो ये हमारे पास बन जाता है सोडियम हाइड्राइड NaH। इसको बैलेंस करने के लिए H2 है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को कभी भी इक्वेशन में अकेला राइट नहीं करते, ये डाई एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखते हैं O2H2, यहाँ पर NaH। रीज़न सोडियम की वैलेंसी प्लस वन, हाइड्रोजन की माइनस वन, तो दोनों वैलेंसी आपस में कैंसिल हो गई। तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बना देता है, तो आयोनिक हाइड्राइड, जिस तरीके से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं इसी तरीके से यह है आयोनिक हाइड्राइड, यानी कि उनके ऊपर आयन्स आ जाते हैं Na प्लस और H माइनस वन, तो ये कहलाते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर की, मखसूस किस्म का टेम्परेचर चाहिए, मखसूस प्रेशर चाहिए। इन कंडीशंस के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम प्लस H2, तो ये बन जाता है CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। तो अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ अंडर स्पेशल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन्स। हैलोजन्स के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल हैलोजन्स के साथ वायोलेंटली का मतलब विगोरसली, तेज़ी के साथ, शिद्दत के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर और हेलाइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम एक अल्कली मेटल है और हैलोजन है हमारे पास क्लोरीन। हैलोजन्स का मतलब होता है साल्ट फार्मर, साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स। तो हैलोजन्स कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन्स कहलाते हैं। तो सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। बैलेंस करने के लिए 2NaCl से पहले 2 राइट करेंगे और Na से पहले भी 2 राइट कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगी। तो अल्कली मेटल्स जो हैं ये तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं हैलोजन्स के साथ रूम टेम्परेचर पर और हेलाइड्स बनाते हैं।
जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्लोली रिएक्ट करते हैं हैलोजन्स के साथ और हेलाइड्स बनाते हैं, जैसे Ca+Cl2=CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ कैसा बिहेव है अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। जो अल्कली मेटल्स हैं ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाती, डायरेक्ट रिएक्शन जो है अल्कली मेटल्स का नाइट्रोजन के साथ नहीं होता, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ और नाइट्राइड्स बनाते हैं, और ये जो नाइट्राइड्स बनते हैं ये स्टेबल होते हैं। मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये बनता है Mg3N2। ये फार्मूला कैसे बना है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और नाइट्रोजन की -3, तो वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज होगी तो Mg3N2, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम Mg से पहले भी 3 राइट कर देते हैं, 3Mg+N2=Mg3N2। तो ये नाइट्राइड जो बनता है ये स्टेबल है, स्टेबल मीन कि आगे फर्दर जो है वो रिएक्ट नहीं करता। इस इक्वेशन के अंदर देखें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में बना, नेक्स्ट ये वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब है कि इस स्टेट में स्टेबल नहीं रहता, फौरन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन जो नाइट्राइड्स बनते हैं ये स्टेबल होते हैं तो अपनी हालत को बरकरार रखते हैं, नेक्स्ट जाके रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ कैसा बिहेव है अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। जो अल्कली मेटल्स हैं ये कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो कार्बाइड बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके CaC2 बनाता है कैल्शियम कार्बाइड, और ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये स्टेबल होता है। ये था कंपैरिजन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटीज़ का अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पर आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जब ऑक्सीजन किसी के साथ अटैच हो जाए तो हम उसे कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब अटैच हो जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड। हाइड्रोजन जब अटैच हो जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड। कार्बन जब अटैच हो जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, कार्बाइड। नाइट्रोजन जब अटैच हो जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइड। हैलोजन, हैलोजन का सिंबल एक्स होता है, एक्स का मतलब हैलोजन, इसमें सारे हैलोजन आ जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो बन जाता है हेलाइड। तो ये डिफरेंट जो हैं ये टर्म्स हैं ये नाम जो हैं वो इस टॉपिक के अंदर यूज़ हुए हैं, कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड। तो ये जहाँ पर भी यूज़ हो आपने याद रखना है, ओ ऑक्साइड, एच हाइड्राइड, सी कार्बाइड, एन नाइट्राइड और एक्स फॉर हेलाइड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थैंक यू।